ओके तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की ये जो वीडियो है एक्चुअली पर्टिकुलर सा एक रिव्यू होगा इसी बोट्स के एयरडोप्स 281 ईयरबड्स का, एंड ये किस तरीके का परफॉर्म करते हैं एंड ऑल, सारा जो क्वेरीज इश्यूज रहता है आप लोग का वो सारा इसी वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो या गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देख लेना, मैं इसमें सारा कुछ ही इसका जो एक्चुअली मेन मेन पक्स होता है जो जिन्हें देखने मतलब बाय करने से पहले देखना चाहिए वो सारा ही मैंने इसी वीडियो में बताया। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। एंड इस ईयरबड्स को परचेज किए हुए लाइक अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं, तो एक हेल्थी सा रिव्यू इसके लिए आपके लिए बना सकता हूँ। सो इस रिव्यू में लाइक इसका सारा बात करूँगा पॉइंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके की है, डिज़ाइन किस तरीके का है, ड्यूरेबिलिटी किस तरीके का है, क्या ये मतलब फ्रेजाइल है कि नहीं, एंड क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, ये सारा ही मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो में बताया है। एंड या इसके सारे जो डिटेल्स एंड बाइंग लिंक्स है मैंने इसी मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। एंड तो चलिए गाइस फिर बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या अगर आप इसके जो पर्टिकुलर वेबसाइट पर चले जाओगे तो आपको इधर सारी डिटेल्स इसी पर्टिकुलर ईयरबड्स की मिल जाएगी। एंड वेबसाइट पे पहुँचते सबसे पहले आपको तो इसका जो इमेज दिख जाता है एंड कलर्स वगैरह के ऑप्शन के फ़ोटो मिल जाएंगे आपको, ये पर्टिकुलर कलर में किस तरीके का ये ईयरबड्स दिखेगा। एंड मेरा जो भी है लाइक नेवी ब्लू करके कलर का है एयरफोन, एंड प्राइसिंग देख सकते हो। तो वाइज लाइक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी प्राइसिंग 2,300 rupees दिख जाती है, जो कि आगे मैं बताऊँगा किस तरीके से ये इसके प्राइस को सेटिस्फाई करता है। एंड बाकी तो आपको इधर सारे वारंटी डिटेल्स फीचर्स मिल जाएंगे कि कितने मींस लाइक कितने आर्स का प्लेबैक है इसी ईयरबड्स का। एंड बाकी नीचे जाएंगे तो आपको और भी कुछ इसमें लाइक जो फीचर्स है वो देखने मिल जाएंगे। सो चलिए फिर फटाफट से इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वाइज लाइक इसका जो 6 mm का ड्राइवर है काफ़ी अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस कर देता है, हाईस एंड लोस काफ़ी अच्छे इसमें आते हैं एंड जो कि काफ़ी मज़ा आ जाता है एक्चुअली सुनने के ऊपर, एंड जो कि काफ़ी अच्छी है एक प्लस पॉइंट है इस ईयरफोन को लेने का। एंड इसी की वजह से मैंने इसका एक सेकेंड पेयर ऑफ लाइक ईयरबड्स भी ऑर्डर किया है। सो बाय द वे जो साउंड क्वालिटी के बारे में और इन डेप्थ बात करूँ तो गाइस लाइक काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ भी उतना ज़्यादा है नहीं ख़राब इसका जो लाइक, और ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी के बारे में। एंड 6 मंथ से ऊपर हो गया मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी साउंड में डिग्रेडेशन नहीं मिली है अब तक, एंड एक प्लस पॉइंट एक्चुअली में बन जाता है काफ़ी एक अच्छा पॉइंट जो आप इस ईयरबड्स के ऊपर जा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हुए लाइक देख सकते हो आपको जो इसका जो पर्टिकुलर केस है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बनाया हुआ है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप पर्टिकुलर ईयरबड्स के ऊपर भी बात कर लेते हो तो वाइज वो भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बने हैं एंड जो कि ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड इनफैक्ट उसका जो डिज़ाइन पर्टिकुलर है काफ़ी एक्चुअली स्लीक सा डिज़ाइन निकल के आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड सोया इस पर्टिकुलर ईयरबड को देख सकते हो आप जो इसके डिज़ाइन में, एंड आपको जो बोट का लोगो जहाँ मिल रहा है उधर ही आपको जेस्चर्स मिल जाएगा एंड लाइक 1 tap पॉज, 2 tap स्किप ट्रैक वगैरह जो सारा ही फीचर्स मिल जाएगा आपको यूज़ करने पर मालूम पड़ जाएगा, एंड जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी स्लीक है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में नो डाउट ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस ईयरबड्स को लेने का। एंड इनफैक्ट अगर इस जो इसकी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो गाइस लाइक ये आपको मालूम है कि IP6X वाटर रेजिस्टेंस है एंड जो कि काफ़ी अच्छी बात है, स्वेट वगैरह वर्कआउट करते हैं तो भी कुछ नहीं प्रॉब्लम आता है कि लाइक जो इस साउंड में कुछ डिग्रेडेशन आ जाए, जो कि काफ़ी अच्छी एक एंड प्लस पॉइंट बन जाए ईयरबड्स को लेने का। एंड तो फिर चलिए फिर फटाफट से इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बात कर लेते हैं, जो कि ये क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली 2,300 पे करके लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस ये एक फीचर रिच प्रोडक्ट है एंड आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट 6 मंथ्स भी उससे ज़्यादा हो गए हैं, नो डाउट कुछ भी मेरे को इसमें जो हाइस एंड लोस कुछ भी कॉन वगैरह नहीं मिला है अब तक, एंड काफ़ी अच्छे साउंड कर देते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल भी हैं एंड काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी दे देते हैं एंड नो डाउट कभी भी लाइक पावर ऑफ नहीं हुए जैसे नहीं क्या शट डाउन कभी नहीं हुए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि काफ़ी एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक काफ़ी पर्टिकुलर अच्छा ईयरबड्स निकल के आ जाता है ये जो पर्टिकुलर मॉडल है 281 बोट्स का। एंड बाइंग लिंक्स वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो वाइज लाइक ये इतना अच्छा साउंड करता है, इतना अच्छा फिट होता है, इतना अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है एंड उसकी वजह से मैंने इसका जो सेकेंड पेयर ऑफ ईयरबड्स भी मंगाया है एंड जो कि एक इसमें अपने आप से खास एक एंड
आप देख सकते हो, आप इजीली ले सकते हो इसको, कुछ भी उतना ज्यादा ऐसा है। सो या गाइस, यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये था एक बेसिक सा रिव्यू इसी बोट्स के एयरडॉप्स 281 का, एंड जो कि काफ़ी एक हेल्थी 6 मंथ्स प्लस का जो एक्सपीरियंस है, उसी की वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक पर्टिकुलर सा एक डेडिकेटेड इसी के बारे में वीडियो भी ले आओ। एंड अभी तक तो मेरे साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड इनफैक्ट आप भी लीजिए इसको एंड इन्जॉय करिए। इसके जो म्यूज़िक क्वालिटी एंड जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह जो है, उसे आप भी इन्जॉय करिए इसको। सो गाइस, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता हूँ। तो गाइस, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर ईयरबड्स के कुछ भी डेडिकेटेड से क्वेरीज हो तो गाइस लाइक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस पर भी एक आपको लाइक कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा कि किस तरीके का इसका फीडबैक है। एंड आप भी लाइक फीडबैक, जैसे आप भी कमेंट वगैरह करेंगे तो गाइस लाइक काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी। एंड तो गाइस लाइक चैनल पर नए हो तो जैसे मैंने बता दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।